सर, संघ की बैठक में महिला वर्ग को कोई विशेष उपदेश दिया हो? महिलाओं के लिए क्यों विशेष मैसेज देना है, पुरुषों के लिए विशेष मैसेज देना है, महिलाओं के बारे में आप ध्यान रखिए ऐसे, क्योंकि महिलाओं के विकास के जो बाधा है वो पुरुष है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, डोंट डू एनीथिंग फॉर द वीमेन, प्लीज लीव देम अलोन एंड दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्स, ओनली थिंग इज एजुकेट देम, ऐसे कहा, क्योंकि एजुकेशन आप हाथ में रखे हैं, उनको एजुकेट कर दो वो करेंगे। गुजरात के लोगों को मुझे ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि गुजरात में बहुत व्यापक प्रमाण है। महिलाओं के संदर्भ में संघ के शाखा, संघ के कार्य में, संगठन में है। देखिए, अभी संघ के स्वयंसेवकों के प्रेरणा से चलने वाले जो संगठन बहुत सारे हैं, जैसे कल्याण आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है, किसान संघ है, विद्यार्थी परिषद है, भारत विकास परिषद है, सेवा भारती है, इन सब में स्वयंसेवक हैं। लेकिन इन सारे संगठनों में बहनें काम करती हैं, पदाधिकारी बने हैं, अध्यक्ष भी बने हैं, सचिव बने हैं, सब है सारे संगठनों में। इन सबके मिलकर एक महिला समन्वय चलता है उनके, उस महिला समन्वय के साथ संघ के एक सहयोग है, आपस में हमारे कोऑर्डिनेशन है। महिला समन्वय के लोगों ने इस वर्ष जिला स्तर पर सम्मेलन कर रहे हैं। अभी तक का हमको जो जानकारी उन्होंने दी, 120 सम्मेलन हुए और 500 से अधिक सम्मेलन होने वाले हैं अप टू फेब्रवरी। उसमें क्या विषय उन्होंने रखा है जो हम समर्थन करते हैं, सहयोग भी देते हैं, क्योंकि बहनें इसी प्रकार के सामाजिक राष्ट्रीय कार्य करने के लिए सामने आना चाहिए, उनको उस दृष्टि से मजबूत होने के लिए हमें सहयोग देना चाहिए। उन्होंने समाज के जो मैंने सामाजिक परिवर्तन का विषय बताया, ऐसे कुछ विषय उन्होंने भी लिया है। एक, दूसरा महिलाओं के सशक्तिकरण, तीसरा महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं रहती है वो नीचे तक पहुंचती नहीं है कई बार, इन विषयों के बारे में उन्होंने महिला सम्मेलन में एक दिन के सम्मेलन वो कर रहे हैं, उसका हम सहयोग दे रहे हैं, ये होना चाहिए। ऐसे महिला जागृति के, महिला सशक्तिकरण के लिए संघ के कार्यकर्ता समर्थन देंगे। एक दूसरा हमने और एक विचार किया है, संभवतः हर महीने 2 महीने में हमारे जो कमाने वाले स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी स्वयंसेवक नहीं, जो ग्रस्त है, ऐसे स्वयंसेवकों की शाखा महीने 2 महीने में अपने शाखा क्षेत्र में परिवार मिलन करें, वहाँ महिलाएं माता बहनें आए, समाज के बारे में कुछ करने के काम के दृष्टि से भी सोचें, कुछ वैचारिक प्रबोधन भी उनका हो, इस दृष्टि से करना चाहिए। ऐसे हमने कहा, महिला सहभागिता देश में बढ़नी चाहिए, इसलिए अभी पार्लियामेंट में जो एक बिल पास हुआ, तुरंत हमने उसका स्वागत किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से। केवल स्वागत नहीं, इसको जल्दी ही क्रियान्वयन करने के लिए भी योजना बने, ऐसे हमारा आग्रह भी है। खास तो सर, ये जो लव जिहाद वाले किस्से हो रहे हैं, इसके बारे में संघ कुछ ये कह महिला रहा है? सुरक्षा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में लव जिहाद के संदर्भ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता विशेष रूप से ध्यान देते हैं, इसमें लीगल फाइट भी है, कुछ जगह पर समाज के जागरण करने के भी हैं। किशोरियों को कम उम्र के 8 से 9, 8 9 10वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं कक्षा में जो लड़कियां हैं उनके जागृति के काम माँ बाप को भी करने चाहिए घर पे, और राष्ट्र सेविका समिति किशोरी वर्ग करके उनको किशोरी को संस्कार देना, सुरक्षा के बारे में बताना, ये कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मिशन साहसी करके एक योजना बनाकर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेल्फ डिफेंस के वो ट्रेनिंग देते हैं, हजारों छात्राओं को विद्यार्थी परिषद ने दिया। इन सभी चीज़ों के हम समर्थन करते हैं, ये होने चाहिए। लव जिहाद के संदर्भ में कई जगह पर जो वहाँ से छुटकर आई हैं ऐसी युवतियों के रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, क्योंकि उनकी शादी कैसे होगी, उनके जीवन का क्या होगा, कई जगह पर माँ बाप भी वापस नहीं लेते, क्योंकि वो 2 महीने 4 महीने 1 साल कहीं किसी के साथ चले गई। ये सारे एक सोशल प्रॉब्लम होता है। हमारे स्वयंसेवकों ने, उदाहरण के लिए केरल में हमारे स्वयंसेवकों ने इसके लिए पुनर्वास के योजना बनाई, उसके लिए होम बनाया। ऐसे युवतियाँ आती है तो वहाँ एक आर्य गुरुकुलम, उन्होंने इस विषय को प्रारंभ किया, हम पूरा उनको समर्थन दिए,
उसके लिए हम खड़े हैं उनके साथ, ये होना भी चाहिए।